नमस्कार, आप देख रहे हैं CTTV 24 न्यूज चैनल। दिन की छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं CTTV 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आइए देखते हैं मोहम्मद जसीम ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। सामान्य कार्यकर्ता होना पहले कुछ बोला ना आप कुछ बोलूंगा, MLC व पूर्व IAS अधिकारी अरविंद शर्मा ने कहा। भाजपा नेतृत्व से मिली जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा। वहीं अयोध्या जिले के पारा खान मुतरुन नगर के समाजसेवी सैयद हसन रिजवी अरविंद शर्मा के बहुत ही नज़दीकी उमखास हैं। अरविंद शर्मा को उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी मिलने से सैयद हसन रिजवी बहुत ही खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत बधाई दी। किया और आज भी योगी जी की देन है कि हमारी सेवा बहाल भी कर दिया है। लाख लाख धन्यवाद यही है। 87,000 लोगों की जीवन की रोजी रोटी अरविंद शर्मा को यूपी में जितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है वो बाखूबी ये निभाएंगे और आने वाली सरकार में तो बहुत अच्छा काम ये करके दिखाएंगे। क्योंकि जब गुजरात में प्रधानमंत्री जी की सरकार थी, जब ये मुख्यमंत्री थे, तो उनके साथ जितने दिन थे ये उन्हीं के साथ यारों थे उनके। अब दिल्ली से यूपी में आके ये पार्टी के लिए क्या कर डालेंगे ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। और आज जो जिम्मेदारी मोदी जी ने और योगी जी ने दिया है ये इसको बहुत अच्छी तरीके से निभाया। ऐसे में विधानसभा का चुनाव और ऐसे में विधानसभा चुनाव में इनका साथ देने वाले बहुत से लोग तत्पर हैं, कसम खा के चल रहे हैं। और हम तो मतलब इनके बहुत ही करीबी, हमारे बहुत बड़े भाई हैं, हम इनके नज़दीकी हैं। और इसलिए हम यही चाहे कि क्या नाम ये कुछ आगे चल के विधानसभा में आगे कुछ बनेंगे तो और अच्छा काम ये करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी सब चाहते कि ये आगे चल। मैं ये जानता हूँ कि भारतीय पार्टी जनता पार्टी में चल के आगे कुछ और अच्छा काम करेंगे। तो इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि जो इनको आज ये भार सौंपा गया। पहली मुलाकात फैजाबाद में गुजरने पर मुलाकात इस तरीके हुई कि हर जगह गाड़ी में चलते हुए मिले और मेरे यहाँ बकायदा टेंट में रुक के 15-20 मिनट भाषण दिए, मेरे इलाके के लोगों से मुलाकात की। उनसे वादा किया है इन्होंने कि मैं जब भी गुजरूँगा कोई मुसीबत आएगी तो मुझको याद करने में मदद करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद कबीर हसन रिजवी, समाज सेवी, समाज उत्थान शिक्षा समिति, मेरा इंटर कॉलेज भी चल रहा है। ठीक। जब से मैंने पढ़ाई अम्बेडकर नगर बीएन इंटर कॉलेज से किया, उस वक्त डॉक्टर जेटली जनसंघ के माने हुए आदमी थे और मैं उनका शिष्य था। उसी पीरियड से मैंने, जिस वक्त ये मुस्लिम को सख्त नफरत करती थी मसाल से, उस वक्त से मैं जुड़ा हूँ। अरविंद मिश्रा जी को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है अरविंद शर्मा जी को यूपी में, तो क्या कहेंगे उनके लिए और योगी मोदी को? अरविंद शर्मा को, ये मेरे बड़े भाई हैं और इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी गई है, मैं योगी जी को, मोदी जी को और योगी जी को दोनों को लाख लाख बधाई देता हूँ कि जो इतना बड़ा मतलब प्रभार हमारे अरविंद शर्मा जी को मिला। मैं भी एक करता हूँ, कल्याण जी के ज़माने में मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला महामंत्री रह चुका हूँ, लेकिन अब उम्र के हिसाब से लोग नहीं पूछते। लेकिन अरविंद शर्मा जी का प्रोग्राम मैंने लिया, मेरे दरवाजे पे आए और अच्छा खासा प्रोग्राम था, तो ये मैं आज का नहीं, मैं बहुत पुराना हूँ। कोई नई पार्टी मैंने नहीं पकड़ा है कि कोई कभी पार्टी पकड़ा, कभी यहाँ गया कभी वहाँ गया। उस समय की राजनीति जब आप अरविंद मिश्रा जी अरविंद से, मैं भी तो उसी में हूँ, हुआ करते थे तो गलत क्या था, दामन पकड़ो तो एक पकड़ो फर्स्ट और लास्ट,
वो केचुल की तरह बदलना जो होता है ये कहीं का रखता उठता नहीं। और आज की डेट में योगी मोदी जी की जितनी प्लानिंग है ये लोग चिल्लाए भले, लेकिन इनके अलावा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। चुनाव भी है ऐसे में, चुनाव में तो ऐसे में क्या, चुनाव से क्या फर्क पड़ेगा, हमारी पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के लोग कहते कि बीजेपी ने विकास नहीं किया। विकास, अरे जरा घुस के तो देखो यहाँ से लेके विदेश तक। आज समाजवादी पार्टी अब एक एक घर का विकास नहीं किया कि घर घर जाए विकास किया। अरे भाई प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए, कांग्रेस के जमाने की योजना है, बनी है लेकिन ऐलान तो इन्होंने ही किया, वो रह गए अपने कर्मों में रह गए, या तो इन्होंने ही ना। आवाज भी आप देख के चलिए, अभी फिलहाल किसान नहीं, जितने किसान हैं उनके खाते में सब में पैसा आ रहा है। ऐसे में एक गाना चल रहा है इस समय, क्या चल रहा है यूपी में, का बात ये नेहा राठौर हैं तो वो उनका तो एक मुद्दा है कि कोरोना काल में कई मुद्दे ऐसे हैं जो कि और इनको पीछे घुसकाओ। इतना हिमावत बताओ अरे पानी आ रहे कौन सा कलर है मैं रोज़